वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 24 अक्टूबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत की पहली माइग्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में, ठीक है। अब यह माइग्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? तो यह प्रवासी गर्भवती महिलाओं, स्तन कराने वाली माताओं और बच्चों के बारे में एक ही प्रणाली पर तत्काल जानकारी प्रदान करने वाली है यह माइग्रेन सिस्टम। यह महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित किया गया है। अब मुंबई में लॉन्च किया गया है, तो मुंबई से और क्या क्या प्रश्न बनेंगे? तो पेंशन एट डोर स्टेप पहल मुंबई में शुरू किया गया। मुंबई को 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान का मुख्यालय मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? तो मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के लिए है मुंबई में, ब्रेबोर्न स्टेडियम क्रिकेट के लिए है मुंबई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में है। नवार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का मुख्यालय मुंबई में है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का मुख्यालय मुंबई में है और BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का मुख्यालय जो है आपका ये भी मुंबई में है। आपको ये सब का स्थापना बताना है कि ये सारे संस्थान की स्थापना या बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में कि सेबी की स्थापना कब हुई, नबार्ड की स्थापना कब हुई, LIC की स्थापना कब हुई, BCCI की स्थापना कब हुई। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य श्रेणी के अंतर्गत कौन प्रथम स्थान पर है? तो यह उत्तर प्रदेश आपका आवास योजना शहरी योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता की सूची में पहले स्थान पर है। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ पे राज्यसभा सीट है 31 और लोकसभा सीट है 80। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी में है, पीलभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और अमानगढ़ बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात सीडीबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, ठीक है। अब इस ये थे स्टैटिक प्रश्न। अब करंट अफेयर क्या बनते हैं? तो सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत हुई यहाँ पर, शिक्षा टाउनशिप योजना की शुरुआत हुई, ठीक है। इंडिया मिशन ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है और फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या जंक्शन कर दिया, अयोध्या कर दिया गया है, ठीक है। यूपी ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू किया। राज्य सरकार की पहली महिला, कौन से राज्य का? उत्तर प्रदेश की पहली महिला PAS बटालियन को गठन करने की मंजूरी दी है। यह 3 बटालियन का नाम जो होगा आपका वो अवंती बाई लोदी होगा। क्या होगा? अवंती बाई लोदी, उदय देवी और झलकारी बाई के नाम पर इस 3 बटालियन का नाम रखा गया है और यह बदायूं में, लखनऊ में और गोरखपुर में इसकी नियुक्ति होगी। शनि परिक्रमा पथ की शुरुआत जो हुई आपकी ये भी उत्तर प्रदेश में ही हुई है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने लाइट लैम्प्स नॉट फायर क्रैकर्स अभियान शुरू किया है? तो लाइट लैंप नॉट फायर क्रैकर अभियान जो शुरू किया गया है यह दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, अर्थात दिए जलाओ बम नहीं छोड़ो, फटाके मत छोड़ो, ये योजना जो शुरू किया गया है आपका वो दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखो दिल्ली में और क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है,
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस और चेयरमैन है समीर वेंकटपति कामत, डीआरडीओ के चेयरमैन है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। और देखो, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। ये दोनों भी उपस्थित थे। ठीक है, इस योजना की शुरुआत दिल्ली के किसान सम्मान सम्मेलन में किया गया है। अच्छा, दिल्ली का किसान सम्मान सम्मेलन हुआ कहां पर था? तो यह हुआ था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हुआ था। ठीक है, देखो, देश में खाद्य उर्वरकों की बढ़ती हुई कीमतें, कालाबाजारी और धांधली को रोकने के लिए इस सम्मेलन में वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम की शुरुआत की गई है। क्या? तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम की शुरुआत जो की गई है वह की गई है किस लिए? तो काला बाजारी को रोकने के लिए, कि खाद्य पदार्थों के कीमतों में जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए। ठीक है, यह शुरू किया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में दिशा एयरबस की आधारशिला रखी गई है? तो दिशा एयरबस की आधारशिला जो रखी गई है यह गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। अब देखो, यह दिशा एयरबेस है कहां पर? तो यह दिशा एयरबेस जो आपका है यह है बनासकांठा जिले के दिशा में भारतीय वायुसेना की नए एयरबेस पर आधारित है। अच्छा, भारतीय वायुसेना, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि तीनों सेना का इंपॉर्टेंट डे कब मनाया जाता है, यानी कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है और जल सेना दिवस कब मनाया जाता है और तीनों के चेयरमैन कौन है, इसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखो, यह एयरबेस जो आपका है यह भारत और पाकिस्तान की सीमा से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और यह भारत और पाकिस्तान की सीमा को रक्षा करने के लिए और विशेष योगदान होगा जब पास होगा तो ये। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने की घोषणा किस वर्ष की है? तो इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने की घोषणा जो की है आपकी वह की है 2023 में। 2023 के किस महीने में? तो जून महीने में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जून 2023 में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने की घोषणा की है। अब देखो, चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 1 के बारे में जानेंगे, 2 के बारे में जानेंगे और 3 के बारे में भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं इसरो के बारे में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथन। और संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। अब चंद्रयान पे लॉन्च किया गया तो चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान आपका कहलाता है सेलेनोलॉजी। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। अब चंद्रयान फर्स्ट, तो देखो, भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया था। कब? तो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था आपका 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, अब देखो, अब अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान और चीन के बाद भारत चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला 6वां देश बन गया है। इस अभियान में भारत द्वारा निर्मित मानव रहित अंतरिक्ष यान मून इंपैक्ट प्रोब को चंद्रमा पर उतारा गया था, जिसने चंद्रमा पर बर्फ होने की जानकारी दी थी। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बनेगा कि चंद्रमा पर बर्फ होने की जानकारी जो दी थी वो किसने दी थी? तो भारत में चंद्रमा पर बर्फ होने की जानकारी जो दी गई थी वो चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा दी गई थी। उसका नाम था मून इंपैक्ट प्रोब, जो चंद्रमा पर उतरा था। अब चंद्रयान 2 के बारे में जानते हैं। तो 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण GSLV Mark 3 M1 रॉकेट से किया था। कई बार पूछा गया है कि चंद्रयान सेकेंड जो आपका है ये इसरो के किस रॉकेट से हुआ था? तो GSLV Mark 3 M1 रॉकेट से हुआ था। अच्छा, GSLV का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आपको बताना कमेंट बॉक्स में GSLV का फुल फॉर्म क्या होगा। देखो, तकनीकी रूप से 3840 किलोग्राम का चंद्रयान 2
तीन भागों में विभाजित था, जिसमें ऑर्बिटर थे, लैंडर मतलब विक्रम रखा गया था, और रोवर मतलब प्रज्ञान शामिल थे। मतलब इसमें तीन भागों में विभाजित था यह, एक था आपका ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर का नाम विक्रम था इसमें, और रोवर का नाम जो था प्रज्ञान शामिल था। ठीक है, देखो यह यान 23 दिन पृथ्वी की कक्षा कर में परिक्रमा करने के बाद 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था और 7 सितंबर 2019 को अगले चरण में चांद के दक्षिण, क्या दक्षिण कहां पे, तो दक्षिण ध्रुव पर पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप उतारने के दौरान निर्धारित गंतव्य से 2.1 किलोमीटर पहले ही इसरो कैलेंडर से संपर्क टूट गया था, इसलिए अभी योजना जो था आपका वो असफल हो गया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या क्या, तो मैंने बताया आपको चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। कहां से, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। इसने जानकारी क्या दी आपकी, तो बर्फ होने का अनुमान लगाया आपका। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और यह श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था। यह कितने भाग में विभाजित थे, तो तीन भाग में, ऑर्बिटर, लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, यह 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया और दक्षिण ध्रुव पर पूर्व निर्धारित समय से पहले ही आपका यह क्या हुआ, तो इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया और यह मिशन असफल रहा था। अब 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने की घोषणा इसरो ने की है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व के किस शहर में दिवाली के अवसर पर स्कूल में अवकाश करने की घोषणा की गई है, तो न्यूयॉर्क में की गई है। न्यूयॉर्क में क्यों, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर में हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्म की लगभग 2 लाख लोग रहते हैं जो दिवाली मनाते हैं। देखो, आपने ये तो सुना होगा कि हिंदू धर्म में दिवाली क्यों मनाते हैं। हिंदू धर्म में दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान राम अपना 14 वर्ष का वनवास काटकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। अब बौद्ध धर्म के लोग दिवाली क्यों मनाते हैं, तो बौद्ध धर्म के लोग दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसी की प्रसन्नता में बौद्ध धर्म के लोग दिवाली मनाते हैं। अब सिख धर्म के लोग क्यों मनाते हैं, तो सिख धर्म के लोग दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि स्वर्ण मंदिर की का शिलान्यास 1577 में किया गया था और गुरु हरगोविंद सिंह को जेल से मुक्ति मिली थी, इसी की खुशी में सिख धर्म के लोग जो हैं वो दिवाली मनाते हैं। अब जैन धर्म के लोग दिवाली क्यों मनाते हैं, तो जैन धर्म के लोग दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसी की खुशी में जैन धर्म के लोग जो आपके हैं वह दिवाली मनाते हैं। ठीक है, अब न्यूयॉर्क में यह छुट्टी की घोषणा की गई है दिवाली के अवसर पर, तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस दोनों की स्थापना कब हुई थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आपका है ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रीज बिहाइंड फॉरेस्ट कार्यक्रम शुरू किया है, तो ट्रीज बिहाइंड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, देखो असम सरकार और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने साथ मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब असम में हुआ है यह, तो असम की राजधानी है दिसपुर, असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। देखो असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है, पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट जो आपका है वो 13 है। ठीक है, देखो तेलंगाना में राज्यसभा सीट जो आपका है वो 7 है और लोकसभा सीट जो आपका है वो कितना है, 14 है। और असम में कितना है, तो असम में 7 है और 14 है, सॉरी तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है, 17 कर लेना आप। ठीक है, असम में कितना है, 7-14, पंजाब में कितना है, 7-13, तेलंगाना में कितना है, 7 और 17 राज्यसभा और लोकसभा सीट। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है, देहिंग पटकई नेशनल पार्क और पोवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है वो असम में है। असम में रायमोना नेशनल पार्क जो आपका है वह भी असम में है। ठीक है, उमानंदा मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी में मयूर द्वीप पर स्थित है। ठीक है,
भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिशवाला ऐप असम में शुरू हुआ। दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संबंधित रबर का पौधा जो लगाया गया यह असम में लगाया गया। पुटोला नाच जो है यह असम राज्य का कठपुतली कला है। भ्रमण सारथी योजना महिलाओं और बुजुर्गों को मुफ्त बस सेवा के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, किसान रथ ऐप फल और सब्जी की ऑनलाइन बिक्री के लिए असम में शुरू हुआ था। असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी पारुल देवी दास का अभी हाल ही में निधन हुआ है। बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण वीर नारी योजना असम ने शुरू किया। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत असम में हुई और नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस के इस्तेमाल को मंजूरी दी है असम राज्य सरकार ने। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, जयपुर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो जयपुर हवाई अड्डा जो है आपका यह असम में जयपुर हवाई अड्डा स्थित है। देखो, अब यह हवाई अड्डा क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय के द्वारा, किसके द्वारा, तो नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय के द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। यह हवाई अड्डा सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों को संभालने में सक्षम होगा। यहाँ पे उड़े कर लेना, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों को संभालने में सक्षम होगा। असम में एक और एयरपोर्ट है जिसका नाम है झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, यह भी उड़ान योजना में शामिल है। देखो, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी असम के गुवाहाटी में है। ठीक है, अब देखो, अब और कौन से महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो चेन्नई में है, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न कब दिया गया था, जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो श्रीनगर में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, हैदराबाद में है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है, कौन सा, तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है, और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। तो ये थे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ठीक है, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने बीमा सुगम ऑनलाइन मार्केट प्लस पॉलिसी को लॉन्च किया है, तो इरडा ने किया है। ठीक है, इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और इसकी स्थापना हुई थी इरडा की 1999 में, इरडा की स्थापना हुई थी और इरडा के चेयरमैन है देवाशीष पांडा। ठीक है, आज मैं आपको महत्वपूर्ण इंडेक्स, इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2022 में जो आए हैं उसको रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 136 है। पिछले कुछ दिनों पहले जो मैं पीछे वीडियो लाया था उसे मैंने 146 बोल दिया था, तो वहां पे 136 कर लेना। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, कौन प्रथम स्थान पे है, आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान जो आपका है वो 135 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान जो आपका है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 123 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 127 है और इसमें हंगरी, चीन, मॉन्टेनिग्रो, उज्बेकिस्तान, रूस और सऊदी अरब सहित 17 देश जो आपके हैं वो प्रथम स्थान पर हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 150 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान 180 है। मर्सर सीएफसी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, नीदरलैंड है
और डेनमार्क है, जबकि भारत का स्थान कितना है, 41 है। तो ये थे इस साल के महत्वपूर्ण इंडेक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने टाइगर ट्रंप अभियान शुरू किया है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जिस देश के राष्ट्रपति हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और वहाँ की मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, ये सब की जानकारी आपको देनी है कमेंट बॉक्स में, इस चारों ऑप्शन के बारे में। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।